जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको एफडी बनाने का तरीका बताऊंगा कि यूनो ऐप में आपने एफडी किस प्रकार से बनाता है। जो सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, उनका सैलरी हर महीने पासबुक में एंट्री हो जाता है। समय कम होने के कारण क्या है, वो काफ़ी दिन तक पासबुक में ही पड़ा रह जाता है, क्योंकि कई को पैसे की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए क्या है वो पासबुक में ही पैसा रखना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 7 दिन से ऊपर कोई भी एफडी बनाते हो तो उस पर कितना कितना परसेंटेज ब्याज मिलता है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और आसान तरीका है, मोबाइल में क्या है एफडी बना सकते हो और जब चाहो आप तोड़ सकते हो, क्योंकि पासबुक में जो पैसा पड़ा रहता है काफ़ी दिन तक, तो बैंक उसको मूड बैलेंस में डाल देता है, जब आपको ज़रूरत पड़ती है बीच में तो तोड़ देते हैं, तो उस हिसाब से बैंक क्या है रनिंग के हिसाब से आपको उसका ब्याज देता है। इसलिए आपको 1 महीना की एफडी बनानी है या 3 महीने की बनानी है, उस हिसाब से क्या है मैं बताऊंगा। और अगर 90 दिन बनाते हो, 90 दिन में अगर 91 दिन का बना देते हो तो उस पर कितना ब्याज मिलता है, उसके बारे में आपको यूनो ऐप में बताते हैं। यूनो ऐप में चलते हैं, यहाँ पर लॉगिन मांगेगा। लॉगिन करते ही आपने अपना लॉगिन पासवर्ड डाल, डिपॉजिट में जाना है। यहाँ पर नीचे लिखा होगा डिपॉजिट, मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ये डिपॉजिट लिखा है। डिपॉजिट में आपने टिक मारना है, हमने डिपॉजिट में टिक मार दिया है। डिपॉजिट के बाद आपने क्या है एक और लिखा हुआ है यहाँ पर, ओपन फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसको छोड़ दो, अकाउंट नया अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन फिक्स डिपॉजिट। ओपन फिक्स डिपॉजिट को हमने क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने अमाउंट डालना है, कितने पैसे का हमने क्या एफडी बनाना है। जैसे हमने डाल दिया तो वो 10,000 मान के चल रहे हैं, 10,000 लिख दिया, 10,000 लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है कौन सा अकाउंट से करना, हमने तो दोनों अकाउंट हैं तो हमने नीचे वाले अकाउंट से कर दिया। ठीक है, फिर ये डू यू वांट यू फिक्स डिपॉजिट टैक्स डिपॉजिट, इसको आपने छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना। आपने सीधा नेक्स्ट पे क्या है नीचे क्लिक मारना है। नेक्स्ट में आएगा 7 डेज टू 10 ईयर के लिए क्या है पैसा डालना है, तो आपने जो आपको सूटेबल लगता है उस हिसाब से पैसे डालना है। हम चलते हैं सीधा मंथ पे जाते हैं, मंथ पे करते हैं, जैसे हम 1 मंथ कर दिया, देखो 1 मंथ लिख दिया हमने, 1 मंथ पे क्लिक किया। इसका इंटरेस्ट रेट बता रहा नीचे, मैच्योरिटी डेट इज 22 फरवरी 2023 एंड इंटरेस्ट रेट 3%। ठीक है, और अधिक इंटरेस्ट चेक करना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, हमने यहाँ नीचे और चेक कर लेते हैं कि क्या क्या ब्याज दे रहा है। देखो मैं अब डिटेल पूर्वक बताता हूँ आपको, 7 डे टू 45 दिन के लिए क्या है 3% है, फिर 46 डे टू 179 डेज के लिए 4.5% है, बढ़ता जा रहा है। देखो 180 डे टू 210 डेज के लिए 5.25% है, 211 डे टू लेस देन 1 ईयर के लिए 5.75 है, 365 दिन के लिए 6.75 है, और 366 दिन प्लस 455 डे के लिए इतना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रेट लिख लेना। तो हमको 1 मंथ यानी 30 दिन का क्या कह रहा है 3% का ब्याज दे रहा है, तो हम 30 दिन से ज़्यादा का बना लेते हैं, उसको ज़्यादा दे रहा तो हम बना लेते हैं 46 दिन, 46 दिन यानी 16 दिन और 1 महीना 16 दिन हो गया ना। ठीक है, 1.5 महीने के लिए, ठीक है 1.5 महीने का बनाएंगे तो हमको इतना ही ब्याज मिलेगा, और 1 दिन ज़्यादा बना लेते तो हमको 4.5% का हिसाब से ब्याज मिल जाता, तो हम इसको क्लिक कर देते। ठीक है, 46 दिन का, 46 दिन यहाँ पर लिख के वो लिखा हुआ मिल गया है। ठीक है, यहाँ ब्याज दर भी ठीक है चेंज हो गई, मतलब आपने अपने हिसाब से देखना। फिर आपने क्या है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्या है मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली एट मेच्योरिटी, जो इसका पैसा चाहिए आपको क्या है, तो हम क्या करते हैं एट मेच्योरिटी पे कर देते हैं। ठीक है, जब इसका डेट पूरा हुआ तो इस पर देखा है यू विल अर्न इंटरेस्ट टू 57 एट मेच्योरिटी। ठीक है, मेच्योरिटी डेट पे आपने यहाँ नेक्स्ट
नेक्स्ट मारना है, ठीक है, नेक्स्ट मार के ठीक है ऑटो रिन्यूअल। अगर आप इसको ऑटो रिन्यूअल कराना चाहते हैं, ऑटो रिन्यूअल करना है, क्रेडिट टू अकाउंट, अकाउंट में देना अकाउंट में करना है, ठीक है, उस हिसाब से आपने इस पर क्लिक कर देते हैं, ऑटो रिन्यूअल कर दिया हमने। अगर हम छेड़ेंगे नहीं तो आगे क्या है चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट पे कर दिया, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट अभी आपकी एफडी बना के इसने दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर नाम आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया, ये अमाउंट आ गया, ये आपका अकाउंट, ठीक है, ये अकाउंट नंबर है आपका, ठीक है, और ये डेट हो गई 9 मार्च 2023, ठीक है, तब ये टूट जाएगा, 9 मार्च 2023 लास्ट डेट है, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या है बढ़ जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा। ये आपका अमाउंट पे ब्याज दे दिया है 57 रुपये, रेट दे दिया 4.5% की से 4.50% मैच्योरिटी, ठीक है, एट मैच्योरिटी, और नीचे ऑटो रिन्यूअल कर रखा, ठीक है, अपने आप अगर छेड़ोगे नहीं तो क्या है अपने आप बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप मैंने इसमें क्लिक मार, नॉमिनी डिटेल अगर भरना चाहते तो ठीक है, नहीं भरना चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। आपने सीधा इस पर क्लिक करना, आई हैव रीड एंड एग्री टू द थीम्स एंड कंडीशन, हर जगह यही मांगता है, तो आपने इस पर क्लिक करना, तो यहाँ कन्फर्म आ जाए, जैसे कन्फर्म करोगे तो आपका क्या है पैसा क्या है एफडी बन जाएगा। तो मैं कन्फर्म नहीं कर रहा हूँ, मेरे को अभी जरूरत नहीं है, कल ही मैंने एफडी बनाया है, इसलिए मैं बैंक चलता हूँ। बैंक चलने के लिए उसके बाद आपने पता करना है कि मैसेज आ जाएगा आपको कि क्या है कंग्रेचुलेशन, आपका एफडी डेट दे देगा, ये लिखा हुआ मिल जाएगा। मैंने बनाया नहीं, मेरे को क्या है जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कैशिंग क्या है ऐसे आ जाएगा 10,000 की एफडी क्या है डेट आ जाएगी लास्ट में, ठीक है, बन के आ जाएगा। उसके जो अकाउंट है, अकाउंट का जो अकाउंट नंबर ही मिल जाएगा आपका एफडी का, ठीक है, ये लिखा होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ये, ठीक है, इसके आँख में क्लिक माना तो ये पूरा अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने क्या है अपना एफडी चेक कर लेना, और आपको लास्ट में क्या है अगर अमाउंट भी चेक करना है कि अमाउंट से मैनेज पैसा हुआ है, तो आपने क्या है अमाउंट पे टिक मारना है, अमाउंट जो लिखा हुआ, ठीक है, तो आपको अमाउंट से पता चल जाएगा। अमाउंट खुलते ही देखो मैं खोलता हूँ यहाँ से, हमने जो मैंने पहले बनाया था मैं उसके बारे में बताता हूँ, इस अकाउंट से था, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करते हुए जैसे खुलता है तो मैंने परसों एफडी बनाया था, तो ये देखो यहाँ पर उसका पैसा डिडक्ट हो चुका है, खींच लिया उन्होंने, काट दिया, ठीक है, यहाँ पर क्या है ये एफडी का पैसा यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारी एफडी अकाउंट से पैसा क्या है लेस हो गया और एफडी बन गया है, ठीक। दोस्तों बैंक के चक्कर और समय की बचत के हिसाब से हमने घर बैठे 10,000 की एफडी बना लिया है, 10,000 एफडी पे कितना व्यू इंटरेस्ट रेट मिला है वो भी हमको जानकारी मिल गया है, यानी 45 दिन में 3% ब्याज दे रहा था और हमने चालाकी से एक दिन और बढ़ा दिया, तो उसमें 46 दिन का क्या है हमको 1.5% का फायदा हो गया है, मतलब 4.5% आपको ब्याज मिल गया है। ये बैंक कभी भी हमको इतनी जानकारी डिटेल पूर्वक बैंक में जाने से कोई नहीं देता है। अगर जानकारी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, धन्यवाद दोस्तों।